हेलो, वेलकम टू संजीवनी डी स्टूडेंट, दिस इज शिखा कुलश्रेष्ठा बिफोर यू। आज हमारी ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस सीरीज का ये 10th लेक्चर है। इससे पहले मैं 9 लेक्चर अलग अलग टॉपिक पर अपलोड कर चुका हूँ। इस लेक्चर से पहले मैंने आपको कंप्यूटर मॉनिटर्स के संबंध में बताया था। उस लेक्चर में मैंने कंप्यूटर मॉनिटर्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उन सभी के संबंध में मैंने बताया था। आज ये मॉनिटर का ही सेकेंड पार्ट है। इस लेक्चर में हम जो है कंप्यूटर मॉनिटर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स और वीडियो ग्राफिक्स कार्ड के संबंध में जानेंगे। विभिन्न प्रकार के मॉनिटर्स और उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉनिटर और वीडियो कार्ड्स के संबंध में आज हम जो है इस लेक्चर से समझेंगे। यदि आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उनको देख सकते हैं, या फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उन सभी की लिंक दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो हम आज के लेक्चर को चालू करते हैं। हाँ, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉनिटर, यानी कि मॉनिटर की विशेषताएं। आज हम इस टॉपिक के माध्यम से जो है विभिन्न प्रकार की मॉनिटर कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे। तो हम देखते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिजोल्यूशन। व्हाट इज रिजोल्यूशन? जब भी हम कोई मॉनिटर खरीदते हैं अथवा टीवी खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, प्रिंटर खरीदते हैं, तब हम इस शब्द को जरूर सुनते हैं रिजोल्यूशन के बारे में। कि हम ज़्यादातर पूछते हैं कि इसका स्क्रीन रिजोल्यूशन कितना है, या प्रिंटर में भी हम रिजोल्यूशन चेक करते हैं। सो रिजोल्यूशन का तात्पर्य क्या है? रिजोल्यूशन से तात्पर्य है कि एक पर्टिकुलर एरिया में मौजूद पिक्सल्स की संख्या, नंबर ऑफ पिक्सल्स इन अ पर्टिकुलर स्क्रीन एरिया इज कॉल्ड रिजोल्यूशन। यानी कि एक निश्चित एरिया में मौजूद पिक्सल्स की संख्या रिजोल्यूशन कहलाती है। यहाँ पर जो पिक्सल्स हैं वो रो और कॉलम में बटे हुए होते हैं। यदि हम इसमें देखें, ये चित्र में हमें दिखाई दे रहा होगा, ये हॉरिजॉन्टल रिजोल्यूशन बताया है यहाँ पर, और ये जो है यहाँ पर सॉरी ये वर्टिकल रिजोल्यूशन बताया है, ये हॉरिजॉन्टल रिजोल्यूशन जो है यहाँ पर बताया है। तो इस तरीके से स्क्रीन या मॉनिटर पर जो रो और कॉलम में बटे हुए पिक्सल्स की संख्या होती है वही रिजोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। जिस स्क्रीन पर जितने अधिक पिक्सल्स की संख्या होगी उस स्क्रीन का रिजोल्यूशन उतना ही अच्छा माना जाएगा, और उस स्क्रीन की जो शार्पनेस है या उस स्क्रीन के द्वारा जो इमेज ड्रॉ होकर के आएगी वो उतनी ही अधिक गुणवत्तापूर्वक मानी जाएगी। तो किसी भी स्क्रीन के क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए उसमें अच्छे रिजोल्यूशन का होना ज़्यादा आवश्यक है। तो मुझे उम्मीद है आपको रिजोल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। रिजोल्यूशन क्या होता है, यानी नंबर ऑफ पिक्सल्स ऑन अ पर्टिकुलर स्क्रीन एरिया, एक निश्चित स्क्रीन एरिया में मौजूद पिक्सल्स की संख्या ही रिजोल्यूशन कहलाती है। और ये जो रिजोल्यूशन होते हैं, ये रिजोल्यूशन जो है आपका स्क्रीन में रो और कॉलम में बटे हुए पिक्सल्स की संख्या होती है। यहाँ पर पिक्सल्स क्या होता है, कई बार ये क्वेश्चन भी आ चुका है, एग्जाम में पूछा जा चुका है कि स्क्रीन पर मौजूद एक डॉट क्या कहलाती है। तो डॉट यानी एक बिंदु या पॉइंट एक पिक्सल कहलाता है। तो स्क्रीन पर जो पॉइंट होते हैं या जो डॉट्स होते हैं, छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, वह पिक्सल कहलाते हैं। और इन्हीं पिक्सल से मिलकर के कोई इमेज ड्रॉ होती है, और किसी स्क्रीन पर कितने पिक्सल्स हैं इसी के आधार पर उस स्क्रीन का रिजोल्यूशन सेट होता है। तो सामान्यतः जो स्क्रीन का रिजोल्यूशन होता है वो 640x480 होता है, 640x480 यानी कि 640 कॉलम और 480 जो है यहाँ पर रोज होती हैं। कॉलम यहाँ पे चौड़ाई को दर्शाते हैं और रोज जो है वो यहाँ पर लंबाई को दर्शाती हैं। तो यानी चौड़ाई गुणा लंबाई आपका रहता है। तो 640 कॉलम और 480 रोज का रिजोल्यूशन जो है सामान्यतः रहता है आपका। ये 640 कॉलम है और 480 रोज है आपका। तो रिजोल्यूशन समझ में आया। इससे कई क्वेश्चन बन भी चुके हैं, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। एक अभी मैंने बताया ही आपको पिक्सल के संबंध में एक क्वेश्चन आया था, पिक्सल क्या होती है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी आया था, उसमें रिजोल्यूशन दिया था एक 800x600 का, तो वहां पे पूछा था 800 किसको दर्शाता है। तो 800 जो है वहां पर किसको दर्शाता है, चौड़ाई को दर्शाता है, यानी कॉलम को दर्शाता है, और कॉलम
किसके लिए रहता है, स्क्रीन की चौड़ाई के लिए रहता है। तो रिजोल्यूशन समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें, नेक्स्ट इज रिफ्रेश रेट एंड डॉट पिच। ये दो हम समझेंगे, एक एक करके समझते हैं। पहले रिफ्रेश रेट क्या होती है। सो रिफ्रेश रेट का मतलब क्या है, जैसे मैंने बताया कि पूरी स्क्रीन पर कई सौ पिक्सल्स मौजूद होते हैं, कई हजार पिक्सल्स मौजूद होते हैं, और उन्हीं पिक्सल्स से जो है कोई इमेज बन के तैयार होती है। तो वो इमेज बनती कैसे है, ये जो डॉट्स होते हैं वो लगातार जलते और बुझते रहते हैं, तो डॉट्स के जलने और बुझने के इस क्रम को रिफ्रेश होना कहा जाता है। तो किसी भी निश्चित समय अंतराल में स्क्रीन पर मौजूद पिक्सल्स कितनी बार जल और बुझ रहे हैं, यह उसकी रिफ्रेश रेट कहलाती है। आया समझ में। तो रिफ्रेश रेट से क्या तात्पर्य है, स्क्रीन पर मौजूद पिक्सल्स जो हैं वो कितनी बार एक निश्चित समय अंतराल में कितने टाइम जलते और बुझते हैं, वो उनकी रिफ्रेश रेट कहलाती है। रिफ्रेश रेट को हर्ट्ज में मापा जाता है, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना है। रिफ्रेश रेट को हर्ट्ज में मापा जाता है, ठीक है, यहाँ पे ये दिया हुआ है, हर्ट्ज में मापा जाता है रिफ्रेश रेट को। और ये भी हमें याद में रखना है कि रिफ्रेश रेट जितनी ज़्यादा होगी स्क्रीन की क्वालिटी उतनी ही ज़्यादा अच्छी मानी जाएगी, यानी रिफ्रेश रेट जितनी ज़्यादा होगी क्वालिटी स्क्रीन की भी उतनी ही अच्छी मानी जाएगी। तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा रिफ्रेश रेट क्या होता है, यानी कि नंबर ऑफ पिक्सल्स जो स्क्रीन पर मौजूद है वो जिस गति से जलते और बुझते हैं उसकी गति क्या कहलाती है, रिफ्रेश रेट कहलाती है, यानी पिक्सल के रिफ्रेश होने की दर कितनी है वो रिफ्रेश रेट कहलाती है। तो आपने देखा होगा कभी अगर हम स्क्रीन को ध्यानपूर्वक देखें तो उसमें एक झिलमिल झिलमिल झिलमिलाहट हमें दिखाई देती है, ये जो झिलमिलाहट होती है यही पिक्सल का जलना और बुझना होता है। तो अगर पुरानी स्क्रीन को देखोगे तो उसमें झिलमिलाहट ज़्यादा दिखाई देगी, आज के टाइम में जो नई स्क्रीन आ रही है उसमें झिलमिलाहट थोड़ी कम होती है, और आज के टाइम की स्क्रीन का जो हमें स्क्रीन क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी प्राप्त होती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो रिफ्रेश रेट है वो ज़्यादा है, यानी पिक्सल्स जल्दी जल्दी जल बुझ रहे हैं जिससे हमारी आंखें उसको पकड़ नहीं पा रही हैं और स्क्रीन पर एक अच्छी क्वालिटी की इमेज ड्रॉ होती है। जबकि अगर हम पुराने टाइम की स्क्रीन की बात करें तो वहाँ पर रिफ्रेश रेट कम होती थी, इसलिए हमें झिलमिलाहट ज़्यादा महसूस होती थी और स्क्रीन का जो रिजोल्यूशन होता था वो भी कम होता था, और स्क्रीन पर जो बनने वाली इमेज की क्वालिटी है वो आज की स्क्रीन की अपेक्षा हल्की होती थी। तो मुझे उम्मीद है आपको रिफ्रेश रेट एंड रिजोल्यूशन दोनों चीज़ें समझ में आई होंगी क्या होती हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं, अगले नंबर पे है डॉट पिच। डॉट पिच क्या होता है आपका, सो डॉट पिच रिजोल्यूशन को मापने का एक तरीका है, ठीक है, जो कि दो पिक्सल्स के मध्य में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को दर्शाती है, यानी दो पिक्सल्स हैं उनके बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, इसको मापन के लिए जिस तकनीक का उपयोग किया जाता है वो डॉट पिच कहलाती है। क्या कहलाती है, डॉट पिच कहलाती है, ठीक है, इसको मिलीमीटर में मापा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, पॉइंट बन सकता है आपको। इसको किस में मापा जाता है, मिलीमीटर में मापा जाता है, ठीक है। यह मॉनिटर की गुणवत्ता को दर्शाता है, मॉनिटर में डॉट पिच कम होना चाहिए, क्योंकि क्यों कम होना चाहिए, जितने पिक्सल्स क्लोज होंगे उतने ही ज़्यादा पिक्सल होंगे, एक नॉर्मल सी बात है। अगर पिक्सल दूर दूर होंगे तो कम पिक्सल आएंगे तो रिजोल्यूशन कम होगा तो स्क्रीन की क्वालिटी भी लो होगी। और अगर पिक्सल्स की संख्या ज़्यादा है, यानी कि उनमें डिस्टेंस कम है, और अगर पिक्सल की संख्या ज़्यादा है तो रिजोल्यूशन अच्छा है, और रिजोल्यूशन अच्छा है तो स्क्रीन की क्वालिटी भी कैसी होगी, ज़्यादा अच्छी मानी जाएगी। तो यानी कि सीधा सा मतलब ये है कि स्क्रीन पर जो पिक्सल्स हैं उनके मध्य में डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए, यानी कि डॉट पिच कम होना चाहिए। इसको फॉस्फर पिच भी कहा जाता है, डॉट पिच को क्या कहा जाता है, फॉस्फर पिच, ये भी अगर आपको आ सकता है एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको फॉस्फर पिच भी कहा जाता है, ठीक है। और कलर मॉनिटर की डॉट पिच जो 0.15 mm से 0.30
एनएम तक रहती है। यहाँ पे एमएम का तात्पर्य मैं पहले भी बता चुका हूँ, मिलीमीटर से है, यानी कि डॉट पिच को किस में मापा जाता है, मिलीमीटर में मापा जाता है। आप इसको नोट कर लें, मैं जो भी बताता जा रहा हूँ काफी इंपोर्टेंट है। मैं तीन कैरेक्टरिस्टिक्स मॉनिटर की बता चुका हूँ, रिजोल्यूशन के संबंध में मैंने अभी बताया, रिफ्रेश रेट के संबंध में मैंने अभी बताया, और डॉट पिच के संबंध में मैंने अभी बताया। तो रिजोल्यूशन हाई होना चाहिए, रिफ्रेश रेट हाई होना चाहिए, बट डॉट पिच क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। एक अच्छी क्वालिटी का स्क्रीन रिजोल्यूशन के लिए हमें कम डॉट पिच की आवश्यकता है, यानी कि दो पिक्सल्स के मध्य में दूरी कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इंटरलीजिंग एंड नॉन इंटरलीजिंग टेक्निक। ये दो प्रकार की टेक्निक्स हैं, इंटरलीजिंग एंड नॉन इंटरलीजिंग टेक्निक, और एक और मैं आपको बताऊंगा बिट मैपिंग क्या होता है। तो ये दो टेक्निक और हमें कैरेक्टरिस्टिक्स और देखना है मॉनिटर की, इंटरलीजिंग टेक्निक, नॉन इंटरलीजिंग टेक्निक और बिट मैपिंग। तो इस तरीके से ये पांच कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगी। सो व्हाट इज द मीन ऑफ इंटरलीजिंग एंड नॉन इंटरलीजिंग टेक्निक। इंटरलीजिंग टेक्निक से तात्पर्य है आपका, ये आपका एक्चुअल, पहले मैं आपको बताता हूँ ये होता क्या, इंटरलीजिंग एंड नॉन इंटरलीजिंग टेक्निक, ये डिस्प्ले टेक्निक्स है, डिस्प्ले की तकनीकें हैं कि स्क्रीन पर डिस्प्ले कैसे जनरेट होगा। जब मैंने आपको सीआरटी मॉनिटर पढ़ाया था, अगर आपको ध्यान हो, सीआरटी मॉनिटर जब मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, वहां पे मैंने बताया था कि सीआरटी मॉनिटर में जो इलेक्ट्रॉनिक गन होती है वहां से, सॉरी जो कैथोड ट्यूब होती है वहां से एक इलेक्ट्रॉनिक बीम निकलती है, वो बीम स्क्रीन से टकराती है और जिगजग स्टाइल में ऊपर से नीचे की ओर मूव करती है, ठीक है, जिससे स्क्रीन पर एक इमेज ड्रॉ होती है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक बीम है वो किस तरीके से, सपोज दैट मान लो ये स्क्रीन का बैक साइड है अंदर से, और यहाँ से आपका जो है गन है, ये गन जो है एक बीम जनरेट कर रही है, तो वो बीम अगर ऊपर से लेकर के नीचे तक एक साथ आ रही है, ठीक है, तो एक तो तकनीक ये होगी, इस तरीके से हो सकता है कि आए ऊपर से लेके नीचे तक, और एक होगी कि वो पूरी एक साथ नीचे ना आए, आधे तक आए फिर लौट जाए, और सेकंड टाइम में फिर आधे को कवर करे। तो ये दो तकनीकें होती हैं, यही तकनीकें इंटरलीजिंग एंड नॉन इंटरलीजिंग टेक्निक कहलाती हैं। सो इंटरलीजिंग मॉनिटर में इलेक्ट्रॉनिक गन केवल आधी लाइन खींचती है, यानी इंटरलीजिंग टेक्निक क्या होती है, उसमें जो लाइन खींचती है गन के माध्यम से, जो इलेक्ट्रॉनिक बीम से जो टकराती है, वो आधी हाफ स्क्रीन में पहले पूरा होता है, फिर हाफ स्क्रीन पे नेक्स्ट टाइम में पूरा होता है। सो इलेक्ट्रॉनिक गन केवल आधी लाइन खींचती है, और क्योंकि इंटरलीजिंग मॉनिटर एक समय में केवल आधी लाइन को ही रिफ्रेश करता है, यानी कितनी लाइन को रिफ्रेश करता है, हाफ लाइन को। यह मॉनिटर प्रत्येक रिफ्रेश साइकिल में दो से अधिक लाइनों को प्रदर्शित कर सकता है, यानी कि एक बार पूरा होने पर दो लाइनें आ जाती हैं, आधे में ऊपर और आधे में नीचे। इस तरीके से एक रिफ्रेश साइकिल में दो लाइनों को प्रदर्शित किया जा सकता है, ठीक है। और इंटरलीजिंग मॉनिटर की एक खराबी है कि इसका रिस्पांस टाइम क्या होता है, बहुत कम होता है। और नॉन इंटरलीजिंग टेक्निक में क्या रहता है कि उसमें पूरी लाइन एक साथ आती है, यानी कि ऊपर से लेके नीचे तक पूरा एक बार में ही जो है आपका पूरा जिगजैग बनता है। तो ये जो तकनीक है वो इंटरलीजिंग की अपेक्षा कैसा माना जाता है, अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें रिस्पॉन्स टाइम ज़्यादा अच्छा होता है। तो दो टेक्निक मैंने आपको बताई, इंटरलीजिंग और नॉन इंटरलीजिंग टेक्निक, इसको रास्टर वेक्टर टेक्निक भी कहा जाता है, ठीक है। ये स्क्रीन की क्वालिटी को दर्शाते हैं, डिस्प्ले टेक्निक्स होती हैं, रास्टर वेक्टर टेक्निक, दीज आर द टू टाइप्स ऑफ डिस्प्ले टेक्निक। और इसमें इंटरलीजिंग टेक्निक में हाफ लाइन बनती है, आधी स्क्रीन पर एक बार में आ पाता है आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक गन से जो बीम निकलती है वो, और नॉन इंटरलीजिंग में ऊपर से लेकर नीचे तक एक साथ आपका मूव होता है। तो ये दो प्रकार की टेक्निक होती हैं मॉनिटर पर डिस्प्ले के लिए उपयोग में आती हैं। बेटर डिस्प्ले टेक्निक कौन सी मानी जाती है, तो बेटर डिस्प्ले टेक्निक जो है आपका नॉन इंटरलीजिंग टेक्निक ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। तो मुझे उम्मीद है आपको इंटरलीजिंग और नॉन इंटरलीजिंग टेक्निक समझ में आया होगा, इनको रास्टर और बेक्टर तकनीक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका बिट मैपिंग टेक्निक क्या होती है। सो व्हाट इज द मीन ऑफ बिट मैपिंग।
बिट मैपिंग का मतलब तात्पर्य क्या है आपका? तो पहले अगर हम पुराने टाइम के मॉनिटर की बात करें, उस टाइम पर डिस्प्ले के रूप में केवल टेक्स्ट को प्रदर्शित किया जाता था। आज के तरीके से हम इमेजेस को, वीडियोस को, इनको सबको नहीं देखते थे हम स्क्रीन पर, और टेक्स्ट में जो है पिक्सल्स की संख्या बहुत सीमित होती थी। बहुत कम पिक्सल्स में ही स्क्रीन पर टेक्स्ट को प्रदर्शित किया जा सकता था। बट आज की अगर हम बात करें तो आज टेक्स्ट के साथ साथ ग्राफिक्स को भी प्रदर्शित किया जाता है, और ग्राफिक्स को प्रदर्शित करने में जो है आपका जो हम बिट यूज करते हैं या हम जो पिक्सल्स यूज करते हैं, तो उन पिक्सल्स को मैनेज करने की प्रक्रिया कहलाती है बिट मैपिंग कहलाती है। तो इस तकनीक में बिट मैप ग्राफिक्स का प्रत्येक पिक्सल ऑपरेटर के द्वारा नियंत्रण होता है। इसमें ऑपरेटर के द्वारा किसी भी आकृति को स्क्रीन पर बनाया जा सकता है। तो ये स्क्रीन पर ग्राफिक्स डिस्प्ले से संबंधित एक तकनीक होती है बिट मैपिंग टेक्निक, जिसमें पिक्सल्स मैनेजमेंट किया जाता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आए होंगे। ये मैंने अभी आपको 5 कैरेक्टरिस्टिक्स मॉनिटर के बताए। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स अभी हमने पढ़े? अभी हमने जो है मैंने आपको रिजोल्यूशन के संबंध में बताया, नंबर ऑफ पिक्सल्स ऑन अ पर्टिकुलर स्क्रीन एरिया, एक स्क्रीन एरिया में मौजूद निश्चित पिक्सल्स की संख्या को क्या कहा जाता है, रिजोल्यूशन कहलाता है। पिक्सल्स किस में डिवाइडेड होते हैं? आपके रो और कॉलम में बटे हुए होते हैं, जहां पर कॉलम चौड़ाई को दर्शाते हैं, रो लंबाई को दर्शाते हैं। ठीक है, और जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे उतनी अच्छी क्वालिटी की स्क्रीन बनेगी आपकी, उतनी अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले आएगी। फिर मैंने आपको रिफ्रेश रेट समझाया, यानी कि पिक्सल जो पिक्सल्स हैं उनके लगातार जलने बुझने की जो दर है, गति है, वही क्या कहलाती है, रिफ्रेश रेट कहलाती है। और रिफ्रेश रेट जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, स्क्रीन पर डिस्प्ले भी उतना ही अच्छा आएगा। फिर मैंने आपको डॉट पिच बताया। डॉट पिच यानी डिस्टेंस बिटवीन टू पिक्सल्स, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू पिक्सल इज कॉल्ड डॉट पिच। ठीक है, और डॉट पिच जितना कम होगा स्क्रीन डिस्प्ले उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि पिक्सल्स जितनी कम कम दूरी पर मौजूद होंगे, यानी पिक्सल ज़्यादा होंगे और पिक्सल ज़्यादा होंगे तो रिजोल्यूशन कैसा होगा, अच्छा होगा, और रिजोल्यूशन अच्छा होगा तो डिस्प्ले भी कैसा होगा, अच्छा होगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट है आपका इंटेलिजिंग नॉन इंटेलिजिंग। अभी मैंने आपको बताया कि इंटेलिजिंग तकनीक में जो इलेक्ट्रॉनिक गन से जो बीम निकलती है वो हाफ स्क्रीन को एक बार में कवर करती है, जबकि नॉन इंटेलिजिंग में फुल स्क्रीन पर एक साथ जिगजैग बनता है, जिस वजह से स्क्रीन पर डिस्प्ले आता है। इनमें दोनों में अच्छी तकनीक कौन सी मानी जाती है? नॉन इंटेलिजिंग तकनीक ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। बिट मैपिंग क्या होता है? स्क्रीन पर टेक्स्ट और ग्राफिक्स को दर्शाने के लिए जो हम पिक्सल्स मैनेजमेंट करते हैं, बिट मैप करते हैं, वही तकनीक बिट मैपिंग कहलाती है, और ये भी स्क्रीन को डिस्प्ले क्वालिटी सुधारने के लिए उपयोग में आती है। तो ये अपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉनिटर्स हो गए। अभी हम आगे जो है मॉनिटर में उपयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के ग्राफिक्स कार्ड के संबंध में जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के ग्राफिक्स कार्ड कौन कौन से होते हैं और उनका उपयोग क्या क्या होता है। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए हमारी वेबसाइट पर जाकर आप लॉगिन कीजिए। वेबसाइट है www.sanjeevniedu.in, sanjeevniedu.in। यहाँ पर जाकर के आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। ठीक है, ये एक पेड क्लास है और 70 दिनों की ऑनलाइन कंप्यूटर क्लास है, जिसमें 5 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेंगी साथ में। और इसके लिए आपको जस्ट ओनली 1499 1499 रुपये पे करने हैं। काफ़ी बेनिफिशियल, काफ़ी यूजफुल क्लास है। CPCT, CS, CCC और स्टेनो SI, ओ लेवल और एनी अदर एग्जाम जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है, सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है ये क्लास जो है। आप इसको रजिस्टर कीजिए और 70 दिनों तक आप कंटिन्यू पर डे हर अलग अलग लेक्चर्स, अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग लेक्चर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, आप उनको देख सकते हैं। पेमेंट मेथड काफ़ी सिंपल है।
आप अकाउंट डिटेल यहाँ पर दी हुई है, इस अकाउंट में आप जो 1499 पर डाल सकते हैं या फिर पेटीएम फोन पे के माध्यम से कर सकते हैं। ये क्यूआर कोड है, इस क्यूआर कोड के माध्यम से भी आप जो है पेमेंट कर सकते हैं 1499 पर। सो उम्मीद है आप इसको ज्वाइन करेंगे, इस पूरे सेशन को जो कि 70 दिनों का लेक्चर है आपका कोर्स पूरा डिजाइन है सीपीसीटी के लिए, ट्रिपल सी के लिए, और भी कई एग्जाम्स होते हैं जिनमें कंप्यूटर पूछा जाता है, उन सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।